पता नहीं मानव की बातों में कितनी सच्चाई। समझ में नहीं आता कि उसकी बातों में यकीन करूं या ना करूं। यह मशीन लगता है कोई ऑफ करना भूल गया। चलो कॉफी बनी गई है तो उसे पी ली जाए। ये मुझे अजीब सा क्यों लग रहा है? अजीब सा डर सा लग रहा है। ऐसा डर जैसे मुझे ड्रैकुला की कहानियां पढ़ते वक्त लगता है। ये तो वही ड्रैकुला की किताब है जिसे पढ़ के मैं बहुत डर गया था। लेकिन ये किताब तो मैंने फेंक दी थी। फिर ये वापस कैसे आए? ये नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता। ये सब एक सपना है। ये सब एक बुरा सपना है। ये सपना नहीं, हकीकत है। समझ में नहीं आता ये सब क्या हो रहा है? रोहन की तो किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं थी, फिर कौन मार सकता है उसको? सर, मुझे किसी इंसान का काम नहीं लगता सर, बल्कि ऐसा लगता है जैसे किसी खूनी आत्मा का काम है। क्या मतलब? क्योंकि इतनी बुरी तरह से तो कोई दूसरी दुनिया की शक्ति मार सकती है सर। सर, कहीं कॉफी शॉप में कोई आत्मा तो नहीं है? पहले तो कस्टमर और अब रोहन। सर, और मानव वो भी तो गायब है। सर, मुझे तो एक कॉफी शॉप ही मनहूस लगती है। मुझे लगता है तुम लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ठीक है, जब तक इन भयानक मौतों का सिलसिला रुक नहीं जाता, मैं इस मनहूस कॉफी शॉप को बंद कर देता हूं।
तुम लोग भी अब अपने अपने घर निकलो। क्या तुम्हें वाकई लगता है इन मौतों का संबंध इस कॉफी शॉप से है? हो सकता है यार, इसीलिए तो मैं ये नौकरी छोड़ना चाहती हूँ। पर नौकरी छोड़ने के बाद भी अगर हमें कुछ हो गया तो मतलब ये मौतों का सिलसिला बंद नहीं हुआ तो देखते हैं। वैसे भी शशांक सर ने ताला तो लगा ही दिया है कुछ दिनों के लिए कॉफी शॉप पे, हो सकता है ये हाथ से बंद हो जाए। हिमानी, हिमानी, हिमानी सुनो, हिमानी, हिमानी, रुको। किसी ने मुझे पीछे से पुकारा और मेरी मदद मांगी थी, पर मैं मदद नहीं कर पाई थी और मैं मारा गया। तब से ही कोई मुझे पीछे से बुलाता है, मैं बहुत डर जाती हूँ, मैं बहुत डर जाती हूँ। रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा, रो मत। मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं सच में वो आवाजें मेरी जिंदगी में वापस आ गए तो? जस्ट रिलैक्स हिमानी, ऐसा कुछ नहीं होगा। पर अगर हो गया तो? देखो, जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ वो तुम्हारा अतीत है, उसका तुम्हारे भविष्य से क्या लेना देना। लोग कहते हैं इतिहास खुद को दोहराता है, और कहीं मेरे साथ ऐसा हुआ तो? हो सकता है कोई शक्ति हो और वो मेरे डर को मेरी जिंदगी में वापस ला दे तो? शक्ति? कोई भी शक्ति अपने आप में शक्तिशाली नहीं होती, कोई भी ताकत तब काम में आती है जब कोई इंसान उसे इस्तेमाल करता है। अच्छा, एक मिनट के लिए मान लो कि ऐसी कोई शक्ति तुम्हें मिल जाए तो? कौन सी शक्ति? यही वाली जिसके जरिए तुम किसी भी इंसान के सबसे भयानक डर को उसकी जिंदगी में हमेशा हमेशा के लिए घोल दो। प्लीज ऐसी बातें मत करो, भगवान ऐसी शक्ति किसी को ना दे। मैं तो ये सोच के ही घबरा जाती हूँ, मुझे डर लगने लगता है। इसीलिए तो कहती हूँ इतना मत सोचा करो, जितना सोचोगी उतना ही डरोगी। मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ उन्हें किसने मारा। क्या तू तू जानता है? मानव मुझे कुछ बताना चाहता था, लेकिन वो कुछ
कह पाता, इससे पहले वो लापता हो गया। आखिर ऐसी कौन सी बात थी जो वो मुझसे कहना चाहता था? कहीं इसी कॉफी हाउस में किसी के बारे में तो बात नहीं कर रहा था मैं। कोई सुराग मिल जाए और मैं इन होने वाली मौतों की जड़ तक पहुंच सकूं।
इसका मतलब दीपान था इस सबको मार रही है। कहीं ऐसा तो नहीं दीपान था एक खूनी आत्मा है। मुझे सबको खबरदार कर देना चाहिए। हेलो विनय, तुम जहां कहीं भी हो जल्दी से कॉफी शॉप में आ जाओ। मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। मुझे तुम्हें कुछ बताना है विनय, प्लीज तुम जहां कहीं भी हो जल्दी आओ। हाँ प्लीज जल्दी आओ। हिमाली तो दीपान्विता के साथ ही गई है। Oh my God. Please, pick up your phone, damn it. Pick up your phone. ये तुम्हें क्या हो गया? ये क्या हुआ है? होगा तो अब तुझे आज भुगतेगी तू अपने डर से भागने का अंजाम। ये तुम क्या कह रही? मेरी बनाई कॉफी में कुछ बात ही ऐसी है जो एक बार पी लेता है अपने बीते हुए डर को फिर से एक बार अपनी जिंदगी में घोल लेता है। कॉफी पिला के तुमने उन सबके जान ले। हाँ, मेरी बनाई कॉफी पीकर इंसान का डर एक बार फिर जिंदा हो जाता है और फिर वही डर उसकी जान ले लेता है। ये सब करके तुम्हें मिलता क्या? तुम इंसानी का डर भी तो मेरी खुराक है। अब तक समझ में नहीं आया, जो डर गया वो मर गया। सर विनय, क्या हुआ सर? आपने मुझे इस तरह अचानक क्यों बुलाया? विनय, दीपान्विता मार रही है सबको। दीपान्विता? क्यों, तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं है? मेरी बात पे यकीन नहीं तुमको? रुको, ये रुको, मैं तुमको सबूत दिखाता हूँ। अभी जाना मत। सर ये रुको तुम, मैं तुमको सबूत दिखाता हूँ। अभी रुक जाओ, यही रुकना तुम। सर पर वो ऐसा क्यों करेगी? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। कैसी लगी कॉफी? क्या हुआ? मुझे देखकर डर गए? <दर्गे। laughs>
मैं नहीं दीपानी दा, तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? नहीं नहीं दीपानी दा, मैं ये जगह छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊंगा। मैं नहीं रुकने वाला। अरे वो तो क्या, उसका साया भी मुझे नहीं ढूंढ पाएगा। चला जाऊंगा।